हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 22 ऑफ सब्जेक्ट सिविक्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट इन 1958 टू पनिश दोज हु डिसफिगर और डैमेज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग. भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया 1958 में उन लोगों को सज़ा देने के लिए जो लोग किसी ऐतिहासिक इमारत की सुंदरता को बिगाड़ते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं. बट द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट ऑल दिस मॉन्यूमेंट्स अनटिल एंड अनलेस लोकल पीपल ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस मॉन्यूमेंट्स. लेकिन सरकार तब तक इन इमारतों और स्मारकों को सुरक्षित नहीं कर सकती जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी ना समझें कि उन्हें भी इन स्मारकों को संभालना है. इट इज़ अवर सेक्रेट ड्यूटी to ensure that no harm or damage is to done to any of the public property. यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए, उसे खराब ना करे. Only people's cooperation can help to maintain and preserve these monuments for our future generations. सिर्फ लोगों का सहमति, लोगों का कोऑपरेशन ही है जो इन ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, इनको स्मारकों को संभालने और सुरक्षित रखने में मदद कर सके हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए. सो दैट दे मे फील प्राउड ऑफ देयर ग्लोरियस पास्ट लाइक अस, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें हमारे बहुत शानदार अतीत के ऊपर गर्व हो. Even the students must understand that government can fulfill their genuine demands by non-violent methods. विद्यार्थियों को भी यह समझना चाहिए कि सरकार उनकी वास्तविक जो मांगे हैं उनको अहिंसक तरीके से भी पूरा कर सकती है. Damage to public property will be a loss to the whole nation at large. और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान जो है पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. बिकॉज द पब्लिक प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट बट टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि हम सबकी है. दस वी मस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेशनल हिस्टोरिकल वेल्थ विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एल्डर्स. सो इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय ऐतिहासिक धन को सुरक्षित रखना चाहिए, उसे संभालना चाहिए जो हमें विरासत में हमारे बड़ों से मिला है. वी मस्ट रेदर प्लेज दैट वी शैल नेवर डैमेज और डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी एंड कॉपरेट विद द गवर्नमेंट इन पनिशिंग दोज हु डैमेज इट. बल्कि हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कभी भी अपनी सार्वजनिक संपत्ति को डैमेज नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और हमें गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए उन लोगों को सज़ा देने में जो कि इसका नुकसान करते हैं. सो एट लास्ट वी कैन से दैट जॉइंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व आवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. ओके, इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर. ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स.